बैठाएंगे। तो यहाँ पर ये एकदम बैठ चुका है। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बताएंगे जो TVS स्पोर्ट है, यहाँ पर देख लीजिए इसका सेल्फ नहीं काम कर रहा है, तो इसका ये चैम्बर खोल लिए हैं। इसका इसमें क्लच वन बे का दिक्कत है जो सेल्फ इसमें लगता है मैग्नेट में, तो वो काम नहीं कर रहा है, तो इसको हम खोलेंगे और दिखाएंगे आपको हम क्या दिक्कत है इसमें। दोस्तों सबसे पहले हम इसका जो मैग्नेट है इसको हम खोल लेते हैं। तो यहाँ पर ये 17 mm का नट है, तो इसमें हम 17 mm गोटी से इसको खोल देंगे। अगर आपके पास इसका पोलर है तो पोलर से खोल लीजिए, अगर बोल्ट गन है यहाँ पर देख लीजिए तो बोल्ट गन से खोल लीजिए, तो इसको हम बोल्ट गन से खोलेंगे। नट खुल गया इसका। अब इसमें जो इसका पोलर है स्पोर्ट का, इसमें अपाची का लगता है, यहाँ पर आप देख लीजिए अपाची का पोलर इसमें यहाँ पर लगा अपाची। फिर उसके बाद में इसको हम खोलेंगे। TVS गाड़ी में अक्सर ज़्यादातर ये अपाची का पोलर लग जाता है, हमें खोलने में दोस्तों। अब इसको हम बताएंगे कैसे फिट करें इसमें। यहाँ पर ये जो इसका स्प्रिंग निकला था वो भी फिट कर लिए हैं, और इसमें जो सोखता लगा होता है ये एकदम सोखता है, इसको हम पहले नहीं निकालेंगे, पहले इसमें टाइट कर लेंगे। तो दोस्तों पहले इसको यहाँ पर हम इसको रख देंगे, यहाँ पर देख लीजिए पूरी तरीके से बैठ चुका है। अब इसको हम टाइट करेंगे इधर से, यहाँ पर आप देख लीजिए मैग्नेट होता है, थोड़ी कसने में इसमें दिक्कत होती है, बार बार अपनी तरफ खींच लेता है। टाइट कर देंगे,
ताकि ये बाद में यहाँ पर देख लीजिए पूरी तरीके से टाइट हो चुका है और ये भी पूरी तरीके से। इसको हम निकालेंगे, उसके बाद में ये जो गरारी होती है तुरंत इसमें फिट कर देंगे ताकि इसका जो ये छपरा स्प्रिंग सब बैठा है ये निकले ना। देख लीजिए बैठ चुका है। अब इसका ये जो नट था ये टाइट कर देंगे। यहाँ पर देख लीजिए हम ये जो इसका नट है बोल्ट गन से टाइट करते हैं। अगर आपके पास बोल्ट गन नहीं है या कोई वो नहीं है तो ये गोटी टाइम से खोल सकते हैं और इसमें कोई सपोर्ट देते हैं ताकि ये घूमे ना। इसमें टाइट करने का और खोलने का दोनों रहता है। इसको हम टाइट करेंगे। तो देखते हैं मैग्नेट पूरी तरीके से टाइट हो चुका है और इसका ये जो चैम्बर था यहाँ पर उसको अभी हम फिट करेंगे। फिर इसमें हम दिखाएंगे आपको सेल्फ इसका बराबर काम करने लगा या नहीं काम करने लगा। वीडियो को देखिए और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम ऐसे ऐसे नए नए वीडियो आप तक पहुंचाता रहूंगा। यहाँ पर देख लीजिए इसका जो टंकी संकी ये सब खुला है, इसमें भी थोड़ी दिक्कत है। तो यहाँ पर हम मैग्नेट चैम्बर को फिट करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए न्यूट्रल लाइट को, न्यूट्रल लाइट का तार फिर से लगा लेंगे। अगर ये तार नहीं लगाएंगे तो न्यूट्रल लाइट नहीं जलेगी। देख लीजिए यहाँ पर अभी चैम्बर फिट हो चुका है। तो दोस्तों